हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है वर्गीकरण ऑफ कार्बनिक यौगिक। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि हाइड्रोकार्बन, किसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन से सेंस है हाइड्रोजन व कार्बन के योग से बने यौगिक, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात आती है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, तो इनका जो वर्गीकरण है वो टू टाइप से किया गया है। तो आपका एक वर्गीकरण जो है वो तो हो जाएगा अचक्रीय, अर्थात खुली श्रृंखला, जिसको हम ओपन चेन या नॉन साइक्लिक बोलते हैं। इसके अलावा इनको हम एलिफैटिक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका होगा अचक्रीय से तो होगा चक्रीय, और खुली से होगा बंद श्रृंखला, तो इनको हम चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें हम वलय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया अचक्रीय, दूसरा हो गया चक्रीय, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, एलिफैटिक या वलय। अब आपके जो अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले हैं इनको हम फर्दर दो भागों में बाँटते हैं। एक आपका हो जाएगा संतृप्त और एक हो जाएगा आपका असंतृप्त। आपका जो संतृप्त है इसको हम केवल जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एल्केन से, अर्थात इसके अंदर एकल बंद उपस्थित होता है। ये एल्केन है और इसमें एकल बंद उपस्थित होता है, जिसका जनरल जो है एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो प्रोपेन। अब बात आती है असंतृप्त। असंतृप्त उन्हें कहते हैं जिनमें बहुबंध उपस्थित होता है, अर्थात मल्टीपल बॉन्ड, जिनमें बहुबंध उपस्थित होता है, अर्थात जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसको भी हम फर्दर यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा आपका एल्कीन और एक हो जाएगा आपका एल्काइन। एल्कीन वो होंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध उपस्थित होगा, और एल्काइन वो होंगे जिनके अंदर त्रिबंध उपस्थित होगा अर्थात ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। अब हम बात करते हैं चक्रीय का वर्गीकरण। चक्रीय को भी हम यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थात इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा समचक्रीय और एक हो जाएगा आपका विषम चक्रीय। समचक्रीय से मतलब है कि वलय में उपस्थित सभी परमाणु समान हो, तो समचक्रीय से मतलब है वलय में उपस्थित सभी परमाणु समान हो, उसे हम समचक्रीय बोलते हैं। और अगर वलय में विभिन्न प्रकार के परमाणु हो, विभिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, तो उसे हम विषम चक्रीय बोलते हैं। कहने का मतलब अगर वलय में कार्बन के अलावा और कोई परमाणु होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन विषम चक्रीय या ऐसे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय का वर्गीकरण। तो जो समचक्रीय होता है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो आपके विषम चक्रीय होते हैं इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्थात इसको भी दो भागों में बांटेंगे, उसको भी हम दो भागों में बांटेंगे।
इसमें जो भाग होगा वो होता है पहला एलीसाइक्लिक, जिसको इंग्लिश में भी एलीसाइक्लिक ही बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया एलीसाइक्लिक और दूसरा आपका हो गया एरोमेटिक। ऐसे ही इसमें भी दो पार्ट हैं, तो वही फर्स्ट पार्ट क्या होगा एलीसाइक्लिक और सेकंड पार्ट क्या होगा एरोमेटिक। तो ध्यान दें, समचक्रीय के दो पार्ट हैं एलीसाइक्लिक एरोमेटिक, और विषम चक्रीय के भी दो पार्ट हैं एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हम यहाँ से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमने समचक्रीय और विषम चक्रीय के बारे में बात की थी। तो पहला हमने लिया समचक्रीय, और समचक्रीय को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आपका है एलीसाइक्लिक, इनको हम एलीफेटिक भी बोलते हैं, और दूसरा आपका है एरोमेटिक। तो ध्यान दें, आपके एलीफेटिक वो होते हैं जिनको जलाने पर काली धुआं नहीं निकलती हो। तो हम लिखेंगे बिना काली धुआं के साथ जलते हैं, अर्थात ये जो है बर्न विद नॉन स्मोटी फ्लेम, अर्थात ये बिना धुआं के साथ जलते हैं। जबकि एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो काली कजली धुआं के साथ जलते हैं, काली कजली धुआं के साथ जलते हैं। अब बात करें एग्जांपल की, तो इसमें एग्जांपल देखिएगा, एक तो हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, एक हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ऐसे ही साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्सेनॉन, ये एग्जांपल होंगे। अब बात करते हैं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम यहाँ से फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाएगा आपका बेंजीनोइड, और एक हो जाएगा आपका नॉन बेंजीनोइड। तो एक तो हो गया बेंजीनोइड और एक आपका हो गया नॉन बेंजीनोइड, अर्थात वो जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है उनको, अर्थात वो जिनमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें बेंजीनोइड, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें नॉन बेंजीनोइड बोलते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे, इनमें लिखा जाएगा कि बेंजीन वलय उपस्थित होगी, और नॉन बेंजीनोइड के अंदर क्या होगा, बेंजीन वलय अनुपस्थित होगी। एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, तो देखिएगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बेंजीन है, ये आपका नेप्थलीन है, इसके अलावा फिनोल है, इसके अलावा एनिलीन है, ये सभी बेंजीनोइड्स में काउंट होते हैं। और नॉन बेंजीनोइड्स में अगर बात करें तो इसके लिए एक बेटर एग्जाम्पल है, जहाँ पर हम 7 मेंबर रिंग के साथ में एक 5 मेंबर रिंग को अटैच करते हैं। तो ये 7 मेंबर रिंग है, इसके साथ में हम ये 5 मेंबर रिंग को अटैच कर रहे हैं ये, और ये एजुलीन है, इसको हम क्या बोलते हैं एजुलीन, और ये एक एरोमेटिक होता है बट नॉन बेंजीनोइड का पार्ट है। अब बात करेंगे हम यहाँ से विषम चक्रीय के बारे में, तो विषम चक्रीय किसको बोलते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिनमें वलय में कार्बन के अलावा और भी कोई परमाणु हो उन्हें विषम चक्रीय बोलेंगे। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो वही आपका एलीसाइक्लिक और दूसरा था आपका एरोमेटिक। अब अगर हम बात करें एलीसाइक्लिक, तो अगर हम बात करें एलीसाइक्लिक, तो एलीसाइक्लिक के एग्जांपल में सबसे कॉमन एग्जांपल है THF, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसके अलावा THS ये हो गया, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोथायोफेन THT। अब बात आते हैं एरोमेटिक, यहाँ से एरोमेटिक को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो आपका हो जाएगा बेंजीनोइड और एक हो जाएगा आपका नॉन बेंजीनोइड।
तो यहाँ से भी दो पार्ट है, एक बेंजीनोइड का है और एक नॉन बेंजीनोइड का है। तो ध्यान दें, जिनमें बेंजीन टाइप की रिंग होगी वो बेंजीनोइड, और जिनमें बेंजीन टाइप की रिंग नहीं होगी उन्हें नॉन बेंजीनोइड हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो एक तो हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं पीरीडीन। एक आपका हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं पाइरोल। इसके अलावा एक होगा ये, इसको बोलते हैं थायोफिन। तो ये सब एग्जांपल विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं। इसी के साथ ही इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से प्रत्येक पॉइंट के बारे में, अब हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट में आप बात करते हैं नॉन साइक्लिक अचक्रीय खुली श्रृंखला। तो फर्स्ट है एल्केन, किसको बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, और एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोम से प्राप्त हुए थे, ऑब्टेन फ्रॉम वैक्स, अर्थात इनको हमने मोम से प्राप्त किया था, इसलिए इनको पैराफिन्स बोलते हैं। और इनमें पाई बंद अनुपस्थित होता है, और पाई बॉन्ड की अनुपस्थिति या एब्सेंट की वजह से ये कम क्रियाशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसका कारण क्या है। तो इनमें पाई बॉन्ड अनुपस्थित होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। आगे बात करें इनके बारे में, तो इनका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र इनका CnH2n+2 है। और बात करें इनमें कार्बन का जो संकरण है वो sp3 होता है, और इनमें जो बंद कोण है वो 109° 28' का है। अब बात करते हैं, ये आपका जो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेकेंड हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको बोलेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंध होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंध उपस्थित होता है उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट होगा आपका एल्कीन। तो किसको बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। इनको पैराफिन्स बोलते हैं, इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ये ओलिफिन्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ओलिफिन्स, क्योंकि ये हेलोजन के साथ क्रिया करके ऑयली लिक्विड अर्थात तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। तो इसका रीजन है हेलोजन के साथ क्रिया कर तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, और तेलीय द्रव का निर्माण करने के कारण इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं। अगर बात करें इनमें, तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। संकरण की बात करें तो उसमें sp3 था, इनका संकरण होता है sp2। इसका बंध कोण 109 था, और इसमें अगर बंध कोण की बात करूं तो बंध कोण होता है 120° का। अब हम बात करेंगे यहाँ से इसी का सेकंड पार्ट एल्काइन। तो देखिएगा सेकंड हम ले रहे हैं एल्काइन। किसको बोलते हैं एल्काइन, जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित हो तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं।
इसे हम एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर एसिटिलीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है और इसको एसिटिलीन बोलने की वजह से पूरी सीरीज को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। बात करें जनरल फॉर्मूला, इनका सामान्य सूत्र तो होता है CnH2n-2, ये इनका सामान्य सूत्र है। और अगर बात करें इनमें संकरण, तो इनका जो संकरण है वो SP है। और बात करें बंद कोण की, तो इनके अंदर जो बंद कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब बात आती है यहाँ से एक नोट, नोट यह है कि आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, अर्थात पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो हम बात करें क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता अगर हम बात करें तो असंतृप्त आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्टिविटी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें पाई बंद उपस्थित होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो दुर्बल होता है, दुर्बल है, और दुर्बल होने के कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता जो होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। अब बात करें यहाँ से सेकंड पॉइंट, अगर कार्बन कार्बन के मध्य, अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो तो उसे हम ओलिफिन्स बॉन्ड बोलते हैं। ओलिफिन्स, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो उसे हम एसिटिलीन बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान दें, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसको ओलिफिन बंद बोलते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम एसिटिलीन बंद बोलते हैं। अब हम यहाँ से ओलिफिन्स और एसिटिलीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द्विबंध व ओलिफिन्स बिंद की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको इसमें द्विबंध और ओलिफिन्स बंद है उनकी संख्या काउंट करनी है। तो द्विबंध का मतलब तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो कार्बन कार्बन में हो चाहे कार्बन के अलावा कोई भी परमाणु हो। तो देखिएगा, ये भी द्विबंध है, ये भी द्विबंध है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको लिखा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ भी द्विबंध है CO है, तो ये एल्डिहाइड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो द्विबंध कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो अगर द्विबंध में पूछूँ तो द्विबंध का आंसर तो होगा 4, बट मैंने पूछा है कि इसमें ओलिफिन्स बॉन्ड कितने हैं, तो हमें बताया कि ओलिफिन्स बॉन्ड वो होते हैं जो केवल कार्बन कार्बन के बीच में हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही है, तो यहाँ पर ओलिफिन्स बंद की संख्या 1 होगी। इसी का सेकंड, इसी में भी आपको वही द्विबंध और ओलिफिन्स बंद बताने हैं, तो द्विबंध और ओलिफिन्स, तो द्विबंध के लिए देखिएगा ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड भी डबल बॉन्ड है और एल्कीन भी डबल बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 4 द्विबंध 4 है, बट ओलिफिन्स के बात करें तो ओलिफिन्स केवल कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक एरा और एक एरा, तो यहाँ पर ओलिफिन्स बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन, अब आपको त्रिबंध व एसिटिलीन बंध की संख्या बतानी है, तो पहले तो हम निकालेंगे त्रिबंध। अब त्रिबंध जो है वो किसी के भी बीच में हो सकता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन और अदर एटम के बीच में हो, बट एसिटिलीन जो बॉन्ड होगा वो केवल कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड एरा, एक ट्रिपल बॉन्ड एरा और साइनाइड, साइनाइड को ऐसे लिखा जाता है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड एरा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कितने होंगे, 3। बट अगर एसिटिलीन बॉन्ड की बात करूँ तो एसिटिलीन में केवल कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर 2 हैं, तो एसिटिलीन बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपको ये बताना है, एक बार बताना है त्रिबंध और एक बार बताना है आपको एसिटिलीन बॉन्ड। तो देखो त्रिबंध, त्रिबंध तो एक और एक दो, दो त्रिबंध है, और अगर बात करूँ एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक है, तो एसिटिलीन बॉन्ड 1 होगा जबकि त्रिबंध 2 होगा। अब बात करेंगे यहाँ से नोट नंबर 2,
देखिएगा नोट नंबर टू। तो नोट नंबर टू में क्या है कि आपका जो एकल बंद है उसमें ओनली फॉर सिग्मा बंद होता है, और आपका जो डी बंद है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और आपका जो त्रि बंद है इसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो ध्यान दें, एकल बंद में एक सिग्मा होता है, द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, जबकि त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो इसमें देखो आप, अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो इसको सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वन सिग्मा वन पाई, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वन सिग्मा वन पाई, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा और टू पाई। तो ध्यान रखना, सिग्मा हमेशा वन ही होता है, पाई वन भी हो सकता है और टू भी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई टू होंगे, और अगर सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो पाई क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो नीट में आया हुआ था कि आपको विनाइल एसिटिलीन में सिग्मा व पाई बंद की संख्या बताओ, पाई बंद की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो देखिएगा, विनाइल एसिटिलीन, ये होता है विनाइल और ये होता है एसिटिलीन, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इसमें हैं, आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। तो पहले वैलेंसी पूरी करेंगे, तो यहाँ पर H, यहाँ पर हो जाएगा H2, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। तो आप देखो, इसमें सिग्मा और पाई बनाने के लिए इसका स्केलेटन बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन है, दो, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस वाले पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर एक हाइड्रोजन है। तो अभी हमने लिखा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 और सिग्मा, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सिग्मा हो गए, 7। अब रही बात पाई, तो पाई कितने हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पाई कितने हैं, 3 है। अब एग्जामिनर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बात कर सकता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने होंगे सिग्मा में, तो सिग्मा में तो हो जाएंगे 14, और 3 पाई है तो 3 पाई का मतलब कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछूं तो 6, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछूं तो 14, लेकिन अगर पाई बॉन्ड पूछे हैं तो 3, और सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं तो 7। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। ये मैंने जो दे रखे हैं इनमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो है बेंजीन, हमें बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने। तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड तो सिंपल सा है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। अब रही बात सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, और 6 ही सिग्मा यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो टोटल सिग्मा कितने होंगे, 12। दूसरा लिया मैंने साइक्लो, यह है साइक्लोपेंटीन, और साइक्लोपेंटीन में देखिएगा आपको सिग्मा और पाई बताना है, तो पाई बन, तो पाई बन तो यहाँ पर एक है, अब आ रहा है सिग्मा, तो सिग्मा के लिए आप देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इसमें CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो CH बॉन्ड है, और CC बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 CC बॉन्ड है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 30। नेक्स्ट एग्जांपल है नेप्थिलीन का, नेप्थिलीन है ये, और नेप्थिलीन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। तो पाई बॉन्ड तो सिंपल से है, कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड के लिए 1 2 3 4 5,
फाइव पाई बॉन्ड है। अब आता आती है सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए पहले सी एच, तो यहाँ भी एक एच होगा, यहाँ एक एच होगा, यहाँ पर एक एच, यहाँ भी एच, यहाँ पर भी एक एच है, यहाँ भी एक एच, यहाँ भी एक एच होगा और यहाँ भी होगा। यहाँ पर कोई भी एच नहीं होगा क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंस की फोर है। तो कितने एच हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 सी एच बॉन्ड है। अब बात आती है कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल कितने हो जाएंगे 19। तो इसमें टोटल सिग्मा 19 है और पाई बॉन्ड 5 है। अब बात करते हैं डी, इसको बोला जाता है पाइरोल, और पाइरोल में ये लोन पेयर जो है वो विस्थानीकृत है, अर्थात ये अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए इसको हम भी हम एक पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर पाई बंद की मैं बात करूँ तो पाई बंद 1, 2, 3 कितने होंगे 3। अब बात आती है सिग्मा बंद, अगर सिग्मा बंद की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा। इन्हें आप कितने सी एच बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 तो सी एच, वो चाहे कार्बन का हो चाहे नाइट्रोजन का हो 5 है, और कार्बन कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के 5 है, तो टोटल कितने होंगे 10। तो आपका जो पाइरोल है उसमें 10 सिग्मा और 3 पाई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं पीरीडीन, आपको बताना है इसमें कितने पाई और कितने सिग्मा है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये विस्थानीकृत था, बट ये विस्थानीकृत नहीं है, ये स्थानीकृत है, अर्थात ये अनुनाद में सम्मिलित नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो तो 3 होंगे, 1, 2, 3, और रही बात सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये हो जाएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 ही हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल सिग्मा कितने होंगे यहाँ पर 11 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको एलिन्स बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है एलिन्स। अब आप देखिएगा इसमें सिग्मा और पाई, तो अगर मैं इसमें पाई बंद की बात करूं तो पाई बंद तो सिंपल सा है, दो बार डबल बॉन्ड है तो 2 पाई हो जाएंगे। अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो सिग्मा के लिए 2 एरे 2 एरे, तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 6 होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है, ब्यूटाडाइन, तो बेटा ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये है ब्यूटाडाइन। अब आप देखिएगा ये जो ब्यूटाडाइन है इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो जितने बॉन्ड होंगे उनके डबल इसका आंसर होगा। तो आप देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे 2, यहाँ पर कितने होंगे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा। अब काउंट करेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं 2, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है सिग्मा, अगर हम यहाँ पर पूछें कि सिग्मा कितने हैं, तो यहाँ पर सिग्मा है टोटल 9 बंद जो हैं वो सिग्मा के हैं, सिग्मा बॉन्ड बराबर 9 है, अगर सिग्मा बॉन्ड 9 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है 2, तो अगर 2 पाई हैं तो 4 हो जाएंगे और 9 सिग्मा हैं तो 18 हो जाएंगे। इसी के साथ ये आपका नोट नंबर 2 कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नोट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे।